नमस्कार, एक बार फिर से आईएनडी हिंदी टेक चैनल में मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो एक जरूरी खबर है, और जरूरी खबर ये है कि आप लोग 30 सितंबर 2022 तक अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड को टोकनाइज कर लीजिए। यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे अमेजोन पर करते हैं या फिर फोनपे पर या फिर और कोई भी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप अपने कार्ड को सेव रखते हैं और बार बार उससे ट्रांजेक्शन करती हैं, तो होता क्या है कि वहां पर सिर्फ सीवीवी नंबर दर्ज करना होता है और आसानी से आप लोग ट्रांजेक्शन कर पाती हैं, क्विक कर पाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी को ये बात पता होगा कि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है कार्ड को सेव करके रखते हैं। कभी कभी होता क्या है, डेटा लीक जैसी शिकायत हो जाती है, इससे हम लोगों का कार्ड डिटेल भी शेयर हो जाता है और फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि अब आप जहाँ पर भी कार्ड सेव करेंगे टोकनाइजेशन फॉर्मेट में सेव करेंगे, ताकि आपका डिटेल लीक ना हो, कार्ड का डिटेल लीक ना हो, जिससे फ्रॉड होने की चांसेस ना रहे। मैं आपको बता दूं कि टोकनाइजेशन सिस्टम के तहत आपका जो कार्ड डिटेल रहता है उसी डिटेल के अकॉर्डिंग एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में टोकन जनरेट होता है और वहां पर एज ए टोकन आपका कार्ड सेफ रहता है, जिसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता और आपका कार्ड जो है पूरी तरह सेफ रहता है। जब भी आप अपने कार्ड को टोकनाइजेशन फॉर्मेट में सेव करने जाएंगे, वहां पर फर्स्ट टाइम जब आप सेव करेंगे 2 रुपया की चार्ज लगेगी, लेकिन ये जो 2 रुपया है वो बाद में आपको वापस कर दिया जाता है। आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड को सेव कर सकती हैं, जहां पर टोकनाइजेशन फॉर्मेट में अपने कार्ड के डिटेल के वाया एक टोकन जनरेट करके आप सेव कर सकती हैं। 30 सितंबर 2022 तक के समय है, इसके बाद अगर आप टोकनाइजेशन से सेव नहीं करती हैं तो आपका जो कार्ड रहता है सेव वो डिलीट हो जाएगा और फिर जितना बार भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आपको वहां पर पूरा की पूरा कार्ड डिटेल एंटर करने की जरूरत होगी। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि जहां पर आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करती हैं, जैसे अमेजोन पर या पेटीएम पर या फिर फ्लिपकार्ट पर, जहां पर भी आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करती हैं, आपको लगता है कि 2-3 दिन में या फिर 1 दिन में 2-3 बार हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, वहां पर अपने कार्ड को टोकनाइजेशन सिस्टम से सेव कर लीजिए। और जहां पर आपको लगता है कि महीने में 1 बार करते हैं या फिर 10 दिन में 1 बार करती हैं या फिर एक तरह से कह लीजिए कि आप सप्ताह में 1 बार करती हैं और वहाँ पर लगता है कि हम यहाँ पर अपने कार्ड को टोकनाइजेशन फॉर्मेट में सेव ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करती हैं तो सहूलियत के चलते आप टोकनाइजेशन सिस्टम से सेव कर सकती हैं। इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दिया, सारा कुछ बता दिया, एक रिमेम्बर वीडियो इसे कह सकते हैं। तो बस कुछ दिन बचा हुआ है, आप अपने कार्ड को टोकनाइजेशन फॉर्मेट में ज़रूर सेव करें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।